एवरीवन, दिस इज पलक मालवीय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में अगेन एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और लाइक और कॉमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो मुझे काफ़ी सारे कॉमेंट्स आए थे, डीएम आए थे इंस्टाग्राम पर कि मैं एक अच्छा और अफोर्डेबल प्राइमर का रिव्यू शेयर करूँ जो कि अफोर्डेबल भी हो और काफ़ी अच्छा भी हो। तो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ आज ब्लू हेवन का प्राइमर है ये। तो ये मैंने परचेस किया था अमेज़ॉन से। अगर आपने मेरा अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट हॉल नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं उस वीडियो को। तो अमेज़ॉन से मैंने इसे परचेस किया था। इजीली आपको ऑनलाइन किसी भी साइट पे मिल जाएगा या फिर आप मार्केट से भी इसे परचेस कर सकते हैं। ब्लू हैंड ब्रांड का ये है प्राइमर एंड इस तरीके से ब्लैक कलर की पैकेजिंग में आता है एंड यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लू हेवन ऑयल फ्री फ्लॉलेस मेकअप बेस प्राइमर एंड प्राइस यहाँ पर मेंशन है 300 रुपीज़ का MRP है, बट मुझे डिस्काउंट में 230 रुपीज़ का ये रिसीव हुआ था। एंड तो इसे मैं आपको एंड यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर लॉन्ग लास्टिंग मेकअप एंड मैं इसे आपको ओपन करके बताती हूँ। तो इस तरीके से हम जब इसे ओपन करेंगे तो इस तरीके से ये ट्यूब के फॉर्म में आपको मिलेगा विथ सिल्वर एंड ब्लैक कलर आउटर पैकेजिंग एंड यहाँ पर भी लिखा हुआ है ऑयल फ्री फ्लॉलेस मेकअप बेस प्राइमर परफेक्ट बेस फॉर लॉन्ग स्टे मेकअप फिल कोर्स एंड फाइन लाइन सिल्क मैट फिनिश। तो इसका जो फिनिश है वो सिल्क की मैट फिनिश है एंड ऑयल फ्री है, तो आपके फेस पे बिल्कुल भी ऑयल नहीं प्रोड्यूस करेगा। एंड इसका अगर मैं आपको इसका शेल्फ लाइफ बताऊँ तो इसमें आपको 3 ईयर्स का इसका शेल्फ लाइफ मिल जाएगा। एंड यहाँ पर पीछे दिया हुआ है कि आपको कैसे इसे यूज़ करना है एंड लिखा हुआ है कि ब्लू हेवन फ्लॉलेस मेकअप बेस प्राइमर मिनिमाइज पोर्स एंड ब्लर्स योर पोर्स और आपको एक स्मूथ फिनिश देगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा, ये भी इसमें यहाँ लिखा हुआ है। ऑयल फ्री है, पैराबिन फ्री है एंड आपके पोर्स को क्लॉक नहीं करेगा एंड ऑल स्किन टाइप ये प्राइमर। तो कोई भी आपका स्किन टाइप हो आप इसे यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ये ऑल स्किन टाइप प्राइमर है। एंड इसका क्वांटिटी की मैं बात करूँ तो आपको 30 ग्राम यहाँ पर मिल जाएगा, तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइमर है ये। 230 आपको आप देखेंगे ऑनलाइन तो आपको डिस्काउंट में ये मिल जाएगा, आप किसी भी ऑनलाइन शॉप से ऑनलाइन साइट से इसे परचेस कर सकते हैं। तो इसे मैं आपको इस तरीके से ये फ्लिप फ्लॉप वाले आपको कैप में मिलेगा, काफ़ी हैंडी है, काफ़ी छोटू सा है तो ट्रैवल फ्रेंडली है, इजीली आप इसे ट्रैवल कर मतलब अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो इजीली आप इसे कैरी कर सकते हैं। और जेल बेस्ड प्राइमर है ये, मैटिफाई करेगा ये। इसे मैं आपको अपने फेस पे अप्लाई करके बताती हूँ, उसका रिजल्ट बताती हूँ कि कैसा इसका रिजल्ट मुझे लगा है और आपको परचेस करना चाहिए या नहीं। तो प्राइमर अप्लाई करने से पहले मैं अपनी स्किन केयर रूटीन फॉलो करूँगी बिकॉज अभी मेरे फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं, मैंने कुछ भी अपने फेस पे अप्लाई नहीं किया है, फेस वॉश करके आई हूँ, सिर्फ लिपस्टिक अप्लाई किया है। तो यहाँ पर मैं टोनर अप्लाई कर रही हूँ। तो जब भी आप कभी आप मेकअप करें या कोई भी फाउंडेशन या कुछ भी लगाएं तो उससे पहले स्किन केयर ज़रूर करें। स्किन केयर से आपकी स्किन हेल्दी भी रहेगी, आपका मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और आपकी स्किन के में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो आफ्टर टोनर हम अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइज़र। आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं एंड टोनर और मॉइस्चराइज़र के बीच में आपको 1 से 2 मिनट का गैप रखना है या फिर इतना कि अच्छे से स्किन में आपके एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पर मैं अपने स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करेंगे तभी आपका जो फाउंडेशन है वो केक ही नहीं होगा। एंड यहाँ पर मैंने जो टोनर अप्लाई किया है उसका भी रिव्यू मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ एंड जो मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ उसका भी रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ एंड दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहते हैं इसे परचेस करना तो परचेस कर सकते हैं। हमने मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया है। मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के 2 से 3 मिनट बाद मतलब मीन्स कि अच्छे से हमारी स्किन में पेनिट्रेट हो जाए, हमें इतना वेट करना है, तुरंत मॉइस्चराइजर के बाद हमें प्राइमर अप्लाई नहीं करना है। इससे अच्छे से स्किन में हम
एब्जॉर्ब होने देंगे, देन आफ्टर हम अप्लाई करेंगे अपना प्राइमर। अगर आप दिन में मेकअप कर रहे हैं तो उसके बाद आपको सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो यहाँ पर हम वेट करेंगे 2 से 3 मिनट, देन उसके बाद में हम अप्लाई करेंगे हमारा प्राइमर। तो यू कैन सी कि अच्छे से मॉइस्चराइजर एब्जॉर्ब हो गया है, तो हम अप्लाई करेंगे अपना प्राइमर। तो प्राइमर को हमेशा फिंगर की हेल्प से अप्लाई करें। आप लोग देख सकते हैं मैंने इतना लिया है, इतना ही आपको प्राइमर अप्लाई करना है। एंड जहाँ जहाँ भी आपको ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है, लाइक चीक्स पे, नोज़ पे और फोरहेड पे, से डॉट डॉट करके अप्लाई कर लेना है। एंड जेंटली से आप अपने फिंगर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे अपनी स्किन में। प्राइमर आपके मेकअप बेस को फ्लॉलेस बनाता है, साथ साथ लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, स्वेट प्रूफ बनाता है। और जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स आप अप्लाई करते हैं इसके बाद में, लाइक फाउंडेशन, कंसीलर या जो भी आप अप्लाई करेंगे, वो आपकी स्किन में अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। इससे क्या होगा, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, ग्लोई रहेगी और कोई भी प्रॉब्लम आपकी स्किन पे नहीं होगी। तो इस तरीके से हम अप्लाई कर लेंगे पूरे अपने जहाँ जहाँ भी आपको लाइक पोर्स का प्रॉब्लम है। और काफ़ी जो उसका टेक्सचर है स्मूथ है, सिल्की, जिसमें जो लिखा हुआ है इसमें कि सिल्की मैट फिनिशिंग है, लाइक वैसे ही बहुत अच्छे से ग्लाइड कर रहा है फेस पे और बहुत अच्छा टेक्सचर है इसका। तो अप्लाई कर लिया हमने पूरे फेस पे प्राइमर, देन प्राइमर को भी हम 1 से 1.5 मिनट तक अपने स्किन पर ऐसे ही छोड़ देंगे। देन आफ्टर उसके बाद में अप्लाई करेंगे फाउंडेशन या जो भी आप बीबी क्रीम या अप्लाई करना चाह रहे हैं। यू कैन सी कि अच्छे से प्राइमर एब्जॉर्ब हो गया है। अब हम इसके बाद अप्लाई करेंगे फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के लिए यहाँ पर मैं लैक्मे का इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ एंड मेरा शेड है 01। एंड आपके पास जो भी फाउंडेशन है आप वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड डॉट डॉट करके मैं इसे अपने पूरे फेस पर लगा लूँगी। प्राइमर का बेनिफिट ये होता है कि आपके मेकअप को लॉन्ग लास्ट करेगा और बिल्कुल भी केकी आपका जो बेस होता है वो नहीं करेगा, ब्लैक आपका जो मेकअप ग्रे पड़ जाता है वो नहीं होगा। तो प्राइमर बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेकअप का, कभी भी इसे स्किप ना करें। जो बिगिनर्स हैं वो भी इसे ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि बिल्कुल एक अमेजिंग सा चेंज आपको आपके मेकअप में दिखाई देगा। तो इस तरीके से मैंने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है फाउंडेशन, देन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। एंड इस फाउंडेशन का भी रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से देख सकते हैं। जितनी भी आपकी फाइन लाइन्स है उसे ये प्राइमर अच्छे से आप अप्लाई करेंगे तो आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगा। तो काफ़ी अच्छे से फाउंडेशन भी ब्लेंड हो रहा है और यू नो फेस पर हल्का सा शीन भी दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो इस तरीके से मैंने पूरे फेस पे अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया है। अब फाउंडेशन को हम सेट करेंगे। सेट करने के लिए मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी लूज पाउडर या फिर बनाना पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फेसेस कनाडा का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही इसे अप्लाई कर ले रही हूँ। पूरे फेस पे से अच्छे से सेट कर दीजिए आप, ताकि आपका फाउंडेशन अच्छे से सेट हो जाए और कोई भी क्रीज लाइन ना दिखे। देखा आप लोगों ने कितना अच्छा इसने वर्क किया है मेरे स्किन पर, और बिल्कुल जैसा इसमें लिखा है ऑयल फ्री है, बिल्कुल ऑयल फ्री है, बिल्कुल भी आपके फेस पे यू नो ऑयल ही नहीं, मतलब चिपचिप नहीं करेगा। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो भी सूट करेगा एंड ड्राई, और या फिर नॉर्मल स्किन तो भी वर्क करेगा, बिकॉज मेरी स्किन ड्राई है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ खाली ये ऑयल फ्री है तो सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए ही, ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, बेस्ट प्राइमर है एंड मतलब बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आपको आपका जो बेस है बिल्कुल मतलब आपको फ्लॉलेस जब आप यूज़ करेंगे तो आपको खुद इसका रिजल्ट मिलेगा। तो आप इसे परचेस कर सकते हैं, बहुत अमेजिंग वाला प्रोडक्ट है एंड आपके जितने भी पोर्स उसे ब्लर आउट करता है, मिनिमाइज करता है, फाइन लाइंस को जितनी भी आपकी फाइन लाइंस है उसे ये फिल कर देता है और बिल्कुल आपको सिल्की और मैट फिनिश देता है।
ही अमेजिंग वाला प्राइमर है, तो आप परचेस करना चाहते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, वहाँ से आप जाके बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड्स ना ज़रूर शेयर कीजिए, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, बिकॉज आपका लाइक और सब्सक्राइब मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है आपके लिए नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए, नए नए कंटेंट लाने के लिए। और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिए, उसका हैंडल मैं आपको आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।